इंसाफ की मंग लई दर दर ठोकरा खाण नूं आम लोग मजबूर हो जाते हैं, पर इंसाफ किधरे पासों मिलता नज़र नहीं आता, जिसनों देख उन्हां वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मामला अमृतसर दा है, जिथे कुछ दिन पहला न्यू प्रीत नगर विखे मकान मालक वल्लों प्रवासी मजदूर नूं शराब पिया के दूसरी मंजिल तो सुट दिता गया, जिस कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टुट गई, जिस तों बाद पीड़ित वल्लों पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई, पर कोई कार्रवाई ना हुंदी देख भारतीय जनता पार्टी दे वार्ड नंबर 22 दे प्रधान नीरज कुमार की अगवाई च प्रवासियों वल्लों पुलिस थाना मोहकमपुरा दे अगे जख्मी मजदूर नूं रख के रोस प्रदर्शन किया गया। इस संबंधी जख्मी मजदूर ने अपने नाल हुई घटना बारे दसदियां पुलिस प्रशासन तो मंग की कि उसनू छत तो हेठा सुटन वाले ठेकेदार ते बनदी कार्रवाई करके इंसाफ दिता जावे। ईटा बालू काम करते हैं, उसका घर में दर्जी के घर में मैं काम किया, तो 3 बजे 1:30 बजे लिंटर पा दिए, लिंटर पा दिया, उसका बाल बोला का बोले का मिस्त्री रोटी पानी खा लो, मिस्त्री के जान दो तू टाइम बढ़िया रहो, 5 से 5:30 हो गया, 6 बज गया, हम कहीं नहीं मैं जान गया, वो नहीं जान दिया मेरे को ज़बरदस्ती, मैं दारू नहीं पीते हैं, दारू हम साफ नहीं पीते हैं, वो ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया, पिला के मेरे को ले गया कोठे पर, अब कोठा पर मेरा चढ़ा दिया ऊपर, चढ़ा के मेरा क्या किया वो हमारा कोई पता नहीं चला। क्या नाम था ठेकेदार? राजेश। क्या किया, धक्का मार दिया, क्या किया? अब मालूम धक्का नहीं, हम नहीं होश नहीं थे। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं हाँ जी, क्या हुआ, चोट कहाँ लगी? चोट लगी है ये कमर में है, रात भर मर्जी में रखा हुआ ठंडा में, मेरा मोबाइल था, मेरा घर वाला लोग फोन किया, हम कर सबको बुला दो, हमारा लड़का सब है बाल बच्चा सबको बुला दो, नहीं कोई गया बुलाने, फोन भी नहीं उठाया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पकड़ दिया है। अभी क्या चाहते हो? अब करने वो आगे बढ़ाएंगे, अब आगे बढ़ा देंगे, इलाज करवाएंगे, इलाज नहीं करवा रहा है। चल फिर सकते हो कि नहीं? नहीं चल फिर सकेंगे सर, सारी उम्र बंजे पर रहोगे? क्या करेंगे सर, उम्र सही रहेगा तो कोई बात नहीं। चोट किस दिन लगी, किस दिन की बात है? इतवार संडे के 9 बजे रात को। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 22 के प्रधान का कहना है कि उन्होंने ध्यान च यह मामला आया, जिस तों बाद उन्होंने वालों इकट्ठे हो के प्रदर्शन किया गया। सर मामला एक प्रवासी मजदूर की है, जेडे एक राजेश कुमार कोई सेंट्री वाला ठेकेदार है, उन्हें ये को काम करवाया घर बुला के, चलो काम तो सारे मिस्त्री करते कराते भी है, लेबर का काम है काम करना, पर यह बड़ी निंदनीय है कि एक 5 बजे छुट्टी होने तो बाद इस मजदूर को उन्होंने टाइम लगाने वास्ते रख लिया, रात को 8:30 बजे दारू दूर पिला लगी, दारू पींदा नहीं, अनिल नाम है जरा चोट लगा, दारू पिनाल तो बाद देखो तीसरी मंजिल पर उन्हें इंट लेकर चढ़ाया गया, तो नेचुरली वो दारू तो आप मैंने स्टेबल नहीं है, और दूजी मंजिल जिस तरह भी है उन्हें डिग पाया, मैंने डिगन तो बाद उस्ताद ने इनके घर वाले को इन्फॉर्म नहीं किया, ये भी देख लो कितनी गलत बात है, जब गिर गया तो उसको चाहिए था कि घर वालों को कंप्लेन माने इन्फॉर्म करे, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, उसको नीचे लटा के उसके ऊपर तलाई दे दिया, अगले दिन जब घर वाले ने ढूंढते ढूंढते उनके पास गए तो देखा कि इसके मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है, इन्फॉर्म भी नहीं किया, कहता है इसने दारू के नशे में है, जब उठेगा तो भेज देंगे, नहीं तो ठीक नहीं है। फिर इन्होंने डॉक्टर को बुला के पूछा, डॉक्टर ने बताया कि इसका ना स्पाइनल कॉर्ड शायद फ्रैक्चर हो गया है, इसे ये इसलिए नहीं चल रहा है, ले गए हॉस्पिटल ले गए उन्होंने गुरु रामदास, उन्होंने बोला कि 1.5-2 लाख रुपए खर्चा है, हड्डी टूटी है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड कट चुकी है, हड्डी की तो चलो जोड़ देंगे प्लेटिंग पर, स्पाइनल कॉर्ड जो कट गई है उसके वजह से जो इंसान जब तक जिंदा रहेगा 6 महीना साल जब भी जिएगा ना उसका पैर जून चलना है, ना पेशाब आने, ना लेटिंग का पता लगेगा, यानी बंदा जो है बिल्कुल नहीं माने टोटली वेस्ट हो गया, कंडम हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, एक गरीब आदमी है, इसको चाहिए था कि इसकी इलाज कराए, जहाँ तक हो इसके परिवार है बच्चे छोटे छोटे हैं इसका मदद करे, मेरा ये बहुत निंदनीय है कि मजदूर को दारू पिला के काम कराना, ये बहुत गलत। प्रदर्शन यह है कि यहाँ पे थाना प्रशासन कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं 24 घंटे के बाद में मैं डॉक्टर नहीं काट कर दे सकता, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि गरीब के साथ धक्का ना हो, इसके साथ इंसाफ किया जाए। इस दे नाल ही जांच अधिकारी का कहना है कि पीड़ित व्यक्ति के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मजदूर का मामला है कि इन्होंने नाल लड़ाई झगड़ा किया है, बाकी इन्होंने सानू अज ही दरखास्त दी है, कल रात दरखास्त आई है, अज ही आई है साडे कोल, ते जो भी बनती कार्रवाई है इन्वेस्टिगेट करके करते हैं। जी प्रॉब्लम तो इन्हों के कहने मुताबिक यही हुई है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया या शराब पिला के या कुछ भी मजदूरी करता उन्होंने घर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बाकी वेरीफाई करके जो भी बनती कार्रवाई है करांगे इंसाफ देवांगे पूरा। देखो जी इन्हों का मैटर पुराना चल रहा है, पर इन्होंने दरखास्त सानू कल राती ही दी है,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਫੋਰ ਮੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ ਫੋਰ ਆਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ